यही मेरी ताकत है, मुझे नहीं भूलना है। Oh,
स्टॉप कर दो, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के सामने हाथ उठा के बोलो, यीशु मेरे साथ था, था कि है, यीशु मेरे साथ होगा कि है आज, यानी एक डिसीजन ले लो, है कि है, है कि था, कि होगा, बोलो था, है और होगा भी, हालेलुया, बोलो यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ था, यीशु मेरे साथ होगा दुनिया के अंत तक, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ था, यीशु मेरे साथ होगा दुनिया के अंत तक, यही मेरी बात है, ये नहीं कभी नहीं भूल रहा है, अपने पड़ोस को हिलाओ, बोलो कभी नहीं भूल रहा है, अच्छी तरह हिलाओ, मुझे अच्छा नहीं लगा, अच्छी तरह से हिलाओ, बोलो भूल जाता है तू, हालेलुया, पाखरू साथ है, पाखरू साथ था, बोलो पाखरू साथ है, पाखरू साथ रहेगा दुनिया के अंत तक, पाखरू साथ रहेगा दुनिया के अंत तक, यही मेरी ताकत, यही मेरी ताकत है, हालेलुया, यही कोई है, फिर से यही मेरी ताकत, यही मेरी ताकत है, हालेलुया, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना, कितने में बाइबल लाए, पूरी बाइबल दिखाए, लाए कि नहीं लाए बाइबल, सब अपनी बाइबल दिखाओ, जो बाइबल नहीं लाए हो वो जाते हुए इनके साथ में जमा करा के जाएंगे, फैमिली की बाइबल है चलेगा, आज चले जाएगा, अगली बार के लोग वचन मेरे साथ है, वचन मेरे साथ था, बोलो वचन मेरे साथ है, वचन मेरे साथ था, वचन मेरे साथ रहेगा दुनिया के अंत तक, बोलो वचन मेरे साथ रहेगा दुनिया के अंत तक, वचन को खोलो, ऐसे खोल के देखो, कोई भी पेज खुल जाए लेकिन सीधा खुले, बस यही मेरी ताकत, उंगली रख के बोलो यही मेरी ताकत, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, बोलो यही मेरी ताकत है, हालेलुया, ये नहीं भूलना, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, एक बार ऐसी ताली बजा लो, कभी नहीं बजाई हो, शोर मचाएंगे, हालेलुया, सब दुख हमारे बीच में है, कुछ भी
तू बता गई है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बैठ जाए प्रेज लॉर्ड। आमेन हालेलुया। खुदावंत का शुक्र करते हैं कि आज खुदावंत की हुजूरी में मौजूद है। आमेन। आप एक मिनट से चंद सेकंड के लिए आंखें बंद करके खोलें, सिर्फ चंद सेकंड के लिए खामोश बैठे, एहतराम के लिए, इज्जत के लिए, खुदा की हुजूरी की, लेट्स रिस्पेक्ट हिज प्रेजेंस हियर। Father, we respect you. Father, we love you. Father, we want your presence here. Every Monday, every Sunday. Jesus, ये सत्संग आपके बिना नहीं होगा। ये मीटिंग आपके बिना नहीं हो सकती। हम आपके बिना गीत भी नहीं गाएंगे। हम आपके बिना साउंड भी नहीं लगाएंगे। यहाँ आपके बिना कुछ नहीं। हमें हर रोज आप चाहिए। आपके स्वर्गदूत चाहिए। हमें आपकी पूरी ताकत को महसूस करना है। अपने घर में, अपने मन में, अपने बदन में, अपनी जिंदगी में, अपनी आंखों में, अपने कानों में, अपने सर से लेकर पांव तक यीशु, हमें आपको महसूस करना है। We want you to show up in every satsang. Come here in every satsang meeting. I pray, Lord, no instrument will be played without your anointing. Lord, no one will worship without your permission. We will not pray unless you say go ahead. And when you say go, we will do it. जब आप कहेंगे हाँ, तो हम शुरू करेंगे। खुदावंद तेरे जितने लोग इस सत्संग में आ रहे हैं, जब वो सुबह उठे थे उनके पैर आज के लिए तैयार हो गए थे। वो कितने भी भूखे हो, कितने भी प्यासे हो, वो चाहे कितने भी बीमार हो, खुदा कहता है तुम थोड़े दिन देखो, मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। मैं तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए मैंने ये इंतजाम किया। ये चर्च मैंने इसलिए नहीं खोला कि अनेकान मिनिस्ट्री बढ़े। ये चर्च मैंने इसलिए खोला है कि तुम लोग बढ़ोगे, तुम्हारे घराने बढ़ेंगे, तुम्हारी जिंदगियां बढ़ेंगी। और एक कान तुम्हारा नौकर है, उसको मैंने तुम्हारे पांव धोने के लिए दिया है। वो तुम्हारी सेवा करने के लिए आया है और तुम उसे सेवा करा के लेना। और तुम यहां से कभी खाली हाथ नहीं जाओगे। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तूने मुझे और मेरी पत्नी को इनकी खिदमत के लिए चुना है। और जैसे हम इनकी खिदमत करते हैं, पवित्र आत्मा तो हमारी अगुवाई करता है कि रूह सच्चाई में खुदावंद ये आगे बढ़े, ताकि हमारा आना इनके लिए बरकत का बाइस हो, ताकि हमारा आना इनके लिए जिंदगी का रास्ता बने। राह हक जिंदगी यीशु मसीह है। और यहां पर हम इनको सिर्फ यीशु देने आते हैं। आए खुदावंद तो हमारी खिदमत को छूना, हमारे जान और बदन को छूना, ताकि हम इनकी खिदमत अच्छी तरह से कर सके, ताकि जब दुनिया का अंत हो, ये सब स्वर्ग में बैठे हो, ये सब लोग स्वर्ग में होंगे। ताली बजा के बोलो हम स्वर्ग में। हालेलुया हालेलुया ताली बजा के हालेलुया। तो आज शुक्र कर रहे हैं। इस चर्च का प्रोसेस है, इस चर्च का मकसद है, ये कलीसिया खुदा की बरकत के लिए शुरू हुआ है। हालेलुया। इस बरसात में आके कोई भी ऐसा नहीं जो बिना भीग जाएगा। यहाँ जो आएगा वो भीग जाएगा, क्योंकि रूह की बारिश होगी यहाँ पर। खुदावंद की रूह की बारिश हर हफ्ता यहाँ पर होगी। खुदावंद तू लोगों को बरकत, जैसे इसहाक ने याकूब को बरकत दी थी, जैसे खुदा ने अब्राहम को बरकत दी, ऐसे आज खुदा का खादिम आपको बरकत देता है। सब अपने हाथ उठाए। Give me Genesis 27।
Hallelujah. Hindi mein lena. Thank you, Jesus. 28, 27, 28. Hallelujah. सब आमीन बोलेंगे. हालेलुया. एक एक बरकत के परम आमीन बोलेंगे. आमीन. ये आज इस बरकत का बड़ा ही गहरा दिन है. हालेलुया. परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे. हालेलुया. कि मेरे लिए नहीं आपके लिए. हालेलुया. हालेलुया. हालेलुया कह कह के इसे खा जाओ. हालेलुया. बोलो आमीन. बोलो आमीन. आमीन. इस ब्लेसिंग के लिए याकूब ने लड़ाई की थी. हालेलुया. आज आपको पिपरी में मिल रही. हालेलुया. ताली बजा के रूप में धन्यवाद. आज आपको ये पिपरी में मिल रही है. इस हाथ में उसको अपने सामने बिठा के ऐसे ब्लेस किया था और आज ये ब्लेसिंग आपके लिए है. बोलो आमेन. परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और मेरे बेटे और मेरी बेटी बहुत सा अनाज और दाख मधु दे. राज्य राज के लोग तेरे अधीन हो. बोलो आमेन. राज्य राज के लोग तेरे अधीन हो और देश देश के लोग तुझे दंडवत करेंगे. देश देश के लोग तुझे दंडवत करेंगे. मैं तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा. मैं तेरा नाम महान करूंगा. देश देश के लोग तुझे दंडवत करेंगे. बोलो आमेन. बोलो आमेन. ये आपके पास जितनी प्रॉपर्टी है ना आज उससे बड़ी ब्लेसिंग है. ये आपके पास कितने मकान है मुझे नहीं पता. ये उससे बड़ी ब्लेसिंग है. आपके पास कितनी दुकानें कितनी गाड़ियां क्या सैलरी है ये उससे बड़ी ब्लेसिंग है. हालेलुया. कि ये खुदा का कलाम है. हाँ। ये खुदा का कलाम है. प्यार है कलाम से कि सस्ता हो गया कलाम. बोलो प्यार है. राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें. तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे. हालेलुया. जो तुझे श्राप दे वो श्रापित हो और जो तुझे आशीर्वाद दे वो आशीषित हो. हालेलुया. आज इस बरकत को लेके जाना मेरे बच्चों. मैं आपको कुछ बताऊं. आप कैजुअल हो सकते हो. ये वचन कैजुअल नहीं होगा. यू कैन नॉट लूज सल्वेशन बट यू कैन रिफ्यूज सल्वेशन. आई बिलीव कि आप इस वचन को यूज करेंगे. क्या करेंगे? अपने घरों में जाना. जेनेसिस 27:38 को पढ़ना और खुद को याकूब जानना. आप कहां पहुंचने वाले हैं? आप भी बना लेंगे. हालेलुया. आमीन. आमीन. यहाँ पे बादशाह के बच्चे बैठे हैं. हालेलुया. यहाँ पे राजा के बच्चे बैठे हैं. हालेलुया. यहाँ बादशाह की औलाद बैठी है. कौन कौन हमें मार सकता है? कौन हमें जेल में डाल सकता है? जान भी देंगे अंदर. बादशाह जेल में भी बादशाह है. हालेलुया. बादशाह जहां भी जाएगा वो बादशाह है. यीशु मसीह उस नीचे कहां गए थे? वो खड्डे में, पिट में. क्या नाम था? क्या नाम था? कैफा की, कैफस की. एक रात वहां पे था नीचे, लेकिन वहां भी वो राजा था. हालेलुया. आए हम अपने बेटे खुदावंद के घर में बादशाह के बच्चों की तरह. और उसी उसी नियम और उसी